हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे दो सब टॉपिक्स, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। दोनों ही आसान हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आइए शुरू करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट फंक्शंस ऑफ दिस टाइप, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। अब कैसे करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान रख लीजिए। पहले तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग टू द बेस ई, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ln y बन गया, राइट हैंड साइड पे जो ये पावर है वो उचक के आगे आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से, तो ये बन गया जी एक्स एल एन एफ एक्स। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एल एन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इसके डिफरेंशिएशन में लगेगा चेन रूल। तो एल एन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन बाय एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि ये जी डैश एक्स है। यहां तक चीजें क्लियर? फिर क्या करेंगे, हमें तो भाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है वन बाय वाई, तो इस वाई को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया वाई टाइम्स ये जो एक्सप्रेशन है। और वाई क्या है, y तो एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स है, तो y की जगह एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स लिख दिया और ये एक्सप्रेशन आ गया। अब चाहो तो एज अ फॉर्मूला इसको याद रख सकते हो, पर्सनल सजेशन ये है कि याद मत रखो, स्टेप्स को ध्यान रखो, और स्टेप्स भी बहुत सिंपल है। पहले तो लॉग ले लेंगे दोनों साइड, लॉग टू द बेस ई, और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। एक दो क्वेश्चंस करेंगे और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आरएल है इसका डिफरेंशिएशन? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। दोनों तरफ लॉग लिया, ये एक्स उचक के आगे चले जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स विच इज वन बाय एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विच इज वन, एक्स इंटू वन बाय एक्स वन हो गया, और ये वाई इस साइड गया, y x रेज टू पावर x है, तो ये आंसर आ गया खटखटाखटखट। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है रूट टू? जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, साइन x उचक के आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले लॉग की वजह से टेन एक्स आ गया नीचे, फिर चेन रूल के हिसाब से टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहां से एफ डैश एक्स आ गया, ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, तो एक्स को पाई बाय फोर सब्स्टिट्यूट किया, एफ ऑफ पाई बाय फोर यहां से निकाल लेते हैं, टेन पाई बाय फोर वन, साइन पाई बाय फोर वन बाय रूट टू, वन रेज टू पावर वन बाय रूट टू इज वन, साइन पाई बाय फोर वन बाय रूट टू डिवाइडेड बाय वन है, sec पाई बाय फोर रूट टू होता है, उसका स्क्वायर हो गया टू,
cos pi by 4 1 by root 2, tan pi by 4 1, ln 1 की वैल्यू 0, तो ये आ गया 0, 2 by root 2 root 2, आंसर आ गया root 2, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आरेला है? अगर आपने इसको डिवीजन रूल से सॉल्व किया है तो बहुत ही लेंदी क्या होगा, और यहां पर तो फिर भी ये 3 लीनियर एक्सप्रेशन है, पावर्स को साइड में रखो बट एक्सप्रेशन वाइज 3 ही है, 3 से ज्यादा होते 6-7, तो डिवीजन रूल से तो ये क्वेश्चन और ज्यादा लेंदी हो जाता। तो इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो भाई, फायदा क्या होने वाला है, मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं, अब यहां पे लगाएंगे हम लॉग की प्रॉपर्टीज, ये पावर्स उचक के आगे चले जाएगी, यहां से लेके यहां तक की स्टेप आप डायरेक्टली कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, इट्स अ सिंपल स्टेप, लॉग की प्रॉपर्टीज है ना। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे, ये ln 5 माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो ln की वजह से 5 माइनस x नीचे आएगा, फिर चेन रूल के हिसाब से 5 माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 होगा, ये भूल मत जाना भाई, इसमें 5x माइनस 13 तो नीचे आ गया इनटू 5 बिकॉज ऑफ दिस 5x। अब x को सब्स्टिट्यूट कर दो भाई आप 3, तो पहले हम f ऑफ 3 की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं, 3 सब्स्टिट्यूट किया सो दिस इज बिकमिंग 2, ये f ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। यहां पर x को 3 सब्स्टिट्यूट करना है, ये 2 तो हुआ अपना f ऑफ 3 की वजह से, ये इजीली आंसर आ गया, विच इज मच मच फास्टर कंपेयर टू डिवीजन रूल, अगर लगाने बैठते परेशान हो जाते। आगे बढ़ते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीटर याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके बारे में बताया था, एक्स और वाई को किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो भाई देखो, इसकी थ्योरी क्या है, अगर वाई एक फंक्शन ऑफ टी है, एक्स भी एक फंक्शन ऑफ टी है, वेयर टी इज पैरामीटर, देन डी वाई बाय डी एक्स इज एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी। कैसे आया ये चेन रूल से। देखो, डी वाई बाय डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स, ये चेन रूल है, और हमें ये पता है कि डी टी बाय डी एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स बाय डी टी, तो हमने इस तरीके से लिख दिया दिस इज व्हाट दिस। और अगर वाई एफ ऑफ टी है तो डी वाई बाय डी टी क्या हुआ, एफ डैश टी, और डी एक्स बाय डी टी जी डैश टी। तो बेसिकली इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। थ्योरी वाइज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पैरामीटर टी हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आरेला है? आई एम श्योर सबका आ गया होगा, फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है देख लीजिए भाई, y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि a कांस्टेंट है, तो dy by dt हो गया 2a, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt हो गया 2at, दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया 1 by t। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आरेला है? माइनस तुरुत तुरु बाय 3। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए, y 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि थीटा पैरामीटर है, बट ये जो चीज लिखी है ना dy by dx at theta equal to pi by 4, तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि भाई थीटा पैरामीटर है। और कई बार हमारा कॉमन सेंस तो है ही, कॉमन सेंस इज सीरियसली कॉम्प्लेक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, दिस इज दिस dx by d theta क्या आ रहा है, 3 cos square theta, और cos theta का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। यहां से हमारे पास dy by dx क्या आ रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा गया, एक cos थीटा से cos थीटा गया, थीटा को पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट किया। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।